केबल ऑपरेटर्स की जागरूकता के लिए निकाली गई चेतना यात्रा पठानकोट से कांगड़ा होते हुए शिमला पहुंची। इस मौके पर शिमला सैटेलाइट चैनल्स के डायरेक्टर विकास कपूर ने 20वीं चेतना यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे ये जान के बहुत बेहद खुशी हुई है कि जी टीवी जो है इस यात्रा का जो है मीडिया पार्टनर है, और जी टीवी से ही हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई थी, केबल इंडस्ट्री। जी के कोई भी प्रोग्राम उठा लो आप, बहुत ही मजा आता है देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात के पता चलता है कि देश में हो क्या रहा। मिस्टर रसोगी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं इनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि इनकी यात्रा शुभ रहे। हिमाचल से निकलकर फिर हमारी यात्रा शिमला से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ चल पड़ी। ये यात्रा देश के 400 शहरों से गुजरेगी। इस मौके पर हमने चंडीगढ़ में जनता से जी न्यूज के बारे में बातचीत की। जी के साथ में मेरा नाता डे वन से है। जिस दिन जी टीवी सैटेलाइट पर लॉन्च हुआ था, उसी रात को रात के 11 बजे मैं पिंजौर के ऊपर डिश ट्यून कर रहा था और जी का लोगो आया था, तो उस दिन से आज तक मैं जी के साथ में एसोसिएटेड हूँ। डॉक्टर रस्तोगी को 20वीं चेतना यात्रा के लिए शुभकामनाएं पेश करता हूँ। मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई है। और जी टीवी का प्रोग्राम जो रात को 10 बजे आता है, राम मोहन शर्मा जी का बड़ी खबर, मैं उसे जरूर देखता हूँ, मुझे यह काफी पसंद है। केबल ऑपरेटर्स की जागरूकता के लिए निकाली गई चेतना यात्रा चंडीगढ़ से निकलकर देहरादून से हरिद्वार के रास्ते बरेली होते हुए लखनऊ पहुंची, जहां सिहोरा बिजनौर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान देश के पसंदीदा चैनल जी न्यूज पर चलने वाले कार्यक्रमों पर हमने जनता से बातचीत की। जी न्यूज में DNA देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, बहुत ही साहसी और अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरीका जो उनका कहने का है, बताने का है, बहुत ही बढ़िया है। DNA का मतलब DNA करके ही दिखाते हैं हर चीज़ को, खबर तक, बाल से लेकर जड़ तक, मतलब पूरा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। इस यात्रा का जो उनका मोटो है बड़ा अच्छा है कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रति जागरूक करना और खान पान के बारे में बताना। अच्छा अभियान है ये डॉक्टर साहब का, और मैं इनको एक बार फिर बधाई देता हूँ अपनी तरफ से इस यात्रा को निकाल। जी न्यूज़ का जो DNA कार्यक्रम है, ये रात को जो 9 बजे आता है, ये अच्छा लगता है, और अब अनंत त्यागी इसको पेश कर रहे हैं, ये एक अच्छा जी न्यूज़ का कार्यक्रम है और इसको देखना चाहिए। तो मैं जी न्यूज़ के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे हर न्यूज़ चैनल में हर शो आता है, पर मुझे सबसे अच्छा तो जी न्यूज़ ही लगता है। मैं अविश्वार ग्रुप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने चेतना यात्रा शुरू की और वो शहर शहर पूरे हिंदुस्तान में चेतना यात्रा को लेके जाते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। मैं जी न्यूज़ को भी बधाई देता हूँ। जी न्यूज़ का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं जी न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ। उनका रात को एक प्रोग्राम आता है देश हित, जो कि अनुराग मुस्कान के द्वारा आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को और बहुत ही अच्छी पहल है। तो मैं एक बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आविष्कार मीडिया को, इस पूरे ग्रुप को, चेतना यात्रा को। दिल्ली से शुरू हुई चेतना यात्रा का केबल एंड ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स ने शुभारंभ किया था। ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए 20 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।